खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अंधेरा होते ही सड़क पर डर क्यों लगता है? रात होते ही सड़क पर महिला का अकेले रहना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या भाई साहब क्या चाहिए? जिनके पास सुरक्षा का जिम्मा है वो लोग दिखाई क्यों नहीं देते? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने एबीपी न्यूज की महिला संवाददाताओं ने की है पड़ताल। देश के कोने कोने में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का हाल बताएंगी प्रतिमा मिश्रा। बिहार के पटना की सुरक्षा का पोस्टमार्टम करेंगी निधि श्री झा। और झारखंड की राजधानी रांची में सिक्योरिटी की पोल खोलेंगी संवाददाता कुमकुम बिनवाल। मातृभूमि में देखिए ऑपरेशन अंधेरा। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। एबीपी न्यूज लगातार ऑपरेशन बेटी बचाओ मुहिम चला रहा है। हमारा मकसद देश की बेटियों की सुरक्षा है। कल हमने आपको दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति दिखाई थी। देश को यह दिखाया था कि अंधेरा होने के बाद बेटियों पर हर रोज क्या गुजरती है। अपनी इसी मुहिम के तहत आज हम आपको देश के कोने कोने से रिपोर्ट्स दिखाएंगे और ये बताएंगे कि लखनऊ, मुंबई और रांची से लेकर पटना तक अंधेरा होने के बाद जब लड़की अकेले सड़क पर मौजूद होती है तो क्या होता है। ऑपरेशन अंधेरा में सबसे पहले चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा मौजूद है। एबीपी न्यूज की मुहिम ऑपरेशन बेटी बचाओ के सिलसिले में मैं प्रतिमा मिश्रा आ चुकी हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अपनी इस पड़ताल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लखनऊ के वुमेन पावर लाइन चौराहे से। मंगलवार रात 9 बजे का वक्त हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा लखनऊ के उस वुमेन पावर लाइन चौराहे के पास मौजूद थी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। रात के 9:05 हो रहे हैं, मैं अब अपनी गाड़ी से उतरने वाली हूँ। एबीपी न्यूज ने अपने एम्प्लॉइज की सुरक्षा का ध्यान रखा है, मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ मौजूद है। प्रतिमा मिश्रा लखनऊ के लोहिया पथ पर समता मूलक चौक पर एक बस स्टैंड के पास मौजूद थी। उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन सड़क पर प्रतिमा को अकेले खड़ा देखकर अचानक कुछ गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। इस बाइक सवार को देखिए जो चलती गाड़ी से पीछे मुड़कर प्रतिमा को घूर रहा था। बाइक सवार 2 बार प्रतिमा के सामने ऐसे ही गुजरा। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, दूर से ही इस स्कूटी सवार ने संवाददाता प्रतिमा को सड़क पर अकेला खड़ा देख लिया था, इसलिए सीधे जा रही ये स्कूटी अचानक यूटर्न ले लेती है और फिर स्कूटी सवार प्रतिमा के पीछे से गुजरता है। स्कूटी एक बार फिर वापस आती है, लेकिन इस बार जनाब की हिम्मत और बढ़ जाती है और इसीलिए ये शख्स अपनी स्कूटी प्रतिमा के सामने से लेकर गुजरता है। मौके पर मौजूद हमारी टीम को ऐसा लग रहा था कि ये स्कूटी सवार फिर से आएगा और हुआ भी वही। कुछ मिनटों बाद स्कूटी सवार तीसरी बार प्रतिमा के पास पहुंचा। इस बार स्कूटी सवार ने कुछ दूर जाकर अपनी स्कूटी लगाई, हेलमेट उतारा और दूर से खड़े होकर संवाददाता को घूरने लगा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जो लोग इन्हें जानते हैं और टीवी स्क्रीन पर देखकर पहचान पा रहे हैं वो उनसे जरूर पूछे कि आप इतनी रात में स्कूटी रोक कर वहाँ क्या कर रहे थे। उनसे पूछे कि इतनी रात में उनकी स्कूटी एक अकेली लड़की को सड़क पर देखकर बार बार उसके आसपास चक्कर क्यों लगा रही थी।
कुछ मिनटों के बाद वो आदमी फिर से स्कूटी स्टार्ट करता है और प्रतिमा के पास लेकर पहुंचता है। इस बार स्कूटी जैसे ही प्रतिमा के पास पहुंचती है वो उससे सवाल करती है। क्या चाहिए? स्कूटी सवार बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा करीब 30 मिनट से यहां खड़ी थी, लेकिन इस दौरान पुलिस की एक भी गाड़ी यहां से नहीं गुजरी। जो लोग गुजर रहे थे उनकी निगाहें सिर्फ प्रतिमा को घूर रही थी। लेकिन वहां दो लोग ऐसे भी पहुंचे जो प्रतिमा के मदद के इरादे से आए थे। यहां बस नहीं आएगी? आप कहां थे? मैं लखनऊ से नहीं हूं, मैं एक दोस्त का वेट कर रही थी। स्क्रीन पर ये दो चेहरे हमारे हीरो हैं, देश को इनसे सीख लेनी चाहिए। लड़की को सड़क पर अकेला खड़ा देखकर ये रुके जरूर, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए। ये आधे घंटे मेरे लिए बेहद डरावने थे क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रही थी, मैं यहाँ खड़ी थी। इस दौरान आपने कैमरा में देखा, एबीपी न्यूज के कैमरा में ये तस्वीरें कैद हुई है कि एक बाइक सवार दो चक्कर मेरे मार के गया, उसके बाद एक स्कूटी सवार तीन बार मेरे चक्कर मार के गया। मुझे बहुत अजीब नजरों से उसने देखा, मुझे बहुत असहज उस दौरान महसूस हुआ, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। और इस आधे घंटे के अंतराल के दौरान पुलिस का कोई भी शख्स यहाँ, पुलिस की कोई भी गाड़ी यहाँ गश्त करती हुई मुझे दिखाई नहीं दी। ये दो लोग, ये दो युवा चेहरे हम इन्हें हीरो बता रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमको ऐसे लोगों की समाज में जरूरत है जो हमारे लिए मदद बनकर सामने। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा लोहिया पथ पर नेहरू इनक्लेव के पास एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई, लेकिन प्रतिमा ने यहाँ ऐसा महसूस किया कि मानो बस स्टैंड पर अकेले खड़े रहना किसी गुनाह से कम नहीं है। आधे घंटे के अंतराल में एक भी पीसीआर वैन यहाँ का चक्कर काटती हुई मुझे दिखाई नहीं दी, और यकीन मानिए यहाँ से गुजरते हुए तमाम लोगों ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि इस सड़क पे खड़े होने का मेरा कोई अधिकार नहीं, इस बस स्टैंड पर खड़े होने का मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ से वो तमाम लड़के बाइक पर गुजरे हैं, कई सारी गाड़ियां यहाँ से गुजरी हैं जो मुझे गंदी निगाहों से देखती हुई गुजरी हैं। कई सारे लोगों ने यहाँ मुझे गंदे इशारे तक किए, कई सारे लोगों ने साथ चलने के इशारे भी किए। नेहरू इनक्लेव के बाद हमारी टीम उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत यानी विधानसभा के ठीक सामने मौजूद थी। ये वो जगह है जिसके आसपास मुख्यमंत्री के दफ्तर से लेकर तमाम राज्य मंत्रियों और बड़े अधिकारियों का दफ्तर है। रात करीब 11:15 का वक्त हो रहा था। देखिए कैसे ये आदमी पहले प्रतिमा के बगल से उसे घूरते हुए गुजरा और वापस फिर बिल्कुल नजदीक से चक्कर लगाते हुए लौटा। अब इस तस्वीर को देखिए। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा को देखकर एक गाड़ी पहले अपनी रफ्तार धीमी करती है और फिर गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। ठीक एक मिनट बाद एक और गाड़ी आती है और वो भी वहां आकर रुक जाती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी तो चली जाती है, लेकिन पहली गाड़ी अब भी वहीं खड़ी है। करीब 3:30 मिनट बाद उस गाड़ी में बैठा शख्स संवाददाता प्रतिमा मिश्रा से कुछ कहने की कोशिश करता है। क्या क्या हुआ बोलिए? क्या इस 3 घंटे में हम लखनऊ के उन तमाम पॉश इलाकों में गए जहां पर अमूमन कोई भी बस स्टॉप या ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर अपने ट्रांसपोर्ट का, अपने व्हीकल का इंतजार करता है, लेकिन वो 3 घंटे मेरे लिए ऐसे थे शायद जिसे मैं कभी ना भूल पाऊं। कुल मिलाकर मैंने जो महसूस किया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी लड़की के लिए देर रात बिल्कुल भी महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज लखनऊ। एबीपी न्यूज का मकसद ये जानना था कि देश के अलग अलग शहरों में रातें कितना डराती हैं। अफसोस ये कि हमारी रियलिटी चेक में हर जगह सिर्फ डर महसूस किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बाद हम आपको अब झारखंड लिए चलते हैं जहां राजधानी रांची में एबीपी न्यूज संवाददाता कुमकुम बिनवाल मौजूद थी। क्या भाई साहब, क्या चाहिए? मेरे जिस्म के चीथड़ों पर
लहू की नदी तूने बहाई थी। तुझे याद है मैं कितना चीखी चिल्लाई थी, बदहवास थी, बेसुध थी, दर्द से तार तार थी। क्या लड़की हूँ इसीलिए गुनहगार थी मैं। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन बेटी बचाओ के तहत आज हम आ गए हैं झारखंड में, वही झारखंड जो इन दिनों अपनी नई सरकार चुन रहा है। उसी झारखंड के रांची में मैं हूँ, जहाँ चंद रोज पहले एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया, जब वो रात के 8 बजे बस स्टैंड पर अपने दोस्त के साथ बैठी थी। ये सब कुछ उसके साथ गन पॉइंट पर किया गया। हमारी कोशिश होगी कि रांची की हर सड़क का जायजा हम लें और ये जाने कि रात के अंधेरे में रांची बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है। रात करीब 8:30 बजे एबीपी न्यूज संवाददाता कुमकुम बिनवाल सबसे पहले रांची के संग्रामपुर बस स्टैंड पर पहुंची। संग्रामपुर बस स्टैंड वही जगह है जहां एक हफ्ते पहले एक लॉ स्टूडेंट को अगवा करके गैंगरेप किया गया था। लेकिन इस बस स्टैंड की हालत देखिए, जितनी रोशनी आपको दिखाई दे रही है वो एबीपी न्यूज की कार की वजह से है, वरना यहां इतना अंधेरा है कि हाथ को हाथ भी ना दिखाई दे। कल्पना कीजिए इस बस स्टैंड में अंधेरी रात में 1 मिनट भी खड़ा होना कितना भयावह है। एक हफ्ते पहले रात 8 बजे एक लॉ स्टूडेंट को 12 लोगों ने गन पॉइंट में उठाया, जब वो यहीं पर अपने एक मित्र के साथ बैठी हुई थी, उसे जबरन उठाया गया और ठीक इस इलाके से पीछे कुछ भट्टियां हैं वहां उसे ले जाया गया। गैंगरेप उस बच्ची के साथ किया गया और इस पूरी घटना ने पूरी रांची को हिलाकर रख दिया था। इस बस स्टैंड में ठीक उसी वक्त जिस वक्त इस लॉ स्टूडेंट को उठाया गया, कमोबेश उसी वक्त में खड़ी रही। और आप सोचिए, इतना बड़ा मामला जिसको लेकर पूरे रांची में सड़कों पे लोग उतरे, सोशल मीडिया में एक अलग तरह का उबाल देखने को मिला, उस बस स्टैंड में करीब आधा घंटा खड़ा होने के बावजूद भी मैंने एक बार भी पुलिस वैन को यहाँ से गुजरते नहीं देखा। पुलिस वैन तो आप छोड़िए, जिस बस स्टैंड में इतना बड़ा वाक्या हो गया, इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई एक बच्ची के साथ, वहाँ एक लाइट अब तक नहीं लगी है। इतनी सुनसान ये पूरा इलाका है, इतना सुनसान ये बस स्टैंड है कि यहाँ पर आप अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। मेरी हिम्मत थी क्योंकि मेरे साथ पूरी टीम थी। संग्रामपुर के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता कुमकुम रांची के रॉक गार्डन इलाके में पहुंची। कुमकुम यहां करीब 30 मिनट तक मौजूद रही। इस दौरान दूर से एक आदमी कुमकुम के पास आता हुआ दिखाई दिया। नजदीक पहुंचने के बाद उसने क्या बातें की, जरा आप भी सुनिए। क्या भाई साहब क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैं जिसका भी वेट करूँ, आपको क्या मतलब? आपको क्या चाहिए? अब इतने पास मत आइए, दूर रह के बात कीजिए। संवाददाता कुमकुम ने उस शख्स को दूर रहने की हिदायत दी और पुलिस बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था। क्या चाहिए भाई साहब? आप मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी, आप जाइए अपना काम कीजिए। पुलिस को बुलाऊं क्या? अभी बुला लूं? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है 100 नंबर का। बुला लीजिए। नहीं डर है? बुला लीजिए। नहीं डर है? बोल दीजिए ना, नहीं डर है। आपको बुलाने का शौक है, बुला लीजिए। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। आप जाइए, आप जाइए प्लीज। देख रहे हैं आप, ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही पकड़े जाने का डर। खुलेआम लोग चुनौती दे रहे हैं कि पुलिस को बुलाना हो तो बुला लो। यह है महिला सुरक्षा की हकीकत, जहां दिन ढलते ही बेटियों को डर लगने लगता है और डराने वाले बेखौफ होकर घूमते हैं।
ये रिपोर्ट हमें बताती है कि अंधेरा होते ही सड़क पर शैतान घूमने लगते हैं। भेड़ियों की तरह अकेली लड़की को देखकर उसके आसपास मंडराने लगते हैं। लखनऊ और रांची में तहकीकात के बाद अब आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा मौजूद है। देखिए निधि ने क्या देखा और महसूस किया। पटना के अलग अलग इलाकों में पड़ताल कर रही संवाददाता निधि श्री झा रात करीब 1 बजे पटना के बेहद हाई प्रोफाइल इलाके बेली रोड पर मौजूद थी। बेली रोड के पास मुख्यमंत्री सचिवालय है, कुछ दूर पर हाईकोर्ट भी है, लेकिन देखिए यहाँ भी निधि को सड़क पर अकेला देखकर एक शख्स मदद के नाम पर कई मिनट तक बात करता रहा और बार बार कहने के बावजूद भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ऐसे मन कर रहा है खड़े रहने का, नहीं रह सकती क्या सड़क पर? लोग ठंड है, रखा रही है भर रात, लेकिन फिर भी मेरा कम मन किया कि थोड़ा पूछ ले। नहीं नहीं शुक्रिया। नहीं मेरे को प्रॉब्लम है तो बोलिए आप। नहीं नहीं मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, फ्रेंड आ जाएंगे तो मैं चले जाऊँगी। रात का टाइम है ना, इसलिए थोड़ा पूछ ले आपसे। अच्छा नहीं शुक्रिया आपका, गलती तो नहीं की है? नहीं नहीं आप जाइए। प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, हेल्प हो जाएगा तो करें। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टाइम आप ना बता सकते हैं आप अपना नाम? नहीं नहीं शुक्रिया। रात का समय निधि के बहुत जोर देने पर वो जाने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन जाता नहीं, कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान निधि के पास 2 बाइक सवार पहुंचते हैं, जो पहले भी एक बार आ चुके थे। हाँ नहीं आप ये दूसरी बार आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा मुझे आप क्या बोल रहे हो। मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। काफी लेट नहीं हो गया? हाँ काफी लेट नहीं हो गया है? कोई बात नहीं, ले आप लोग भी तो सड़क पर घूम रहे ना रात को। मेरा भी ठीक है, जिस तरह आपका ठीक है उस तरह मेरा भी ठीक है। बाइक सवार को निधि के पास देखकर वो शख्स दोबारा लौटता है जो पहले आया था। रात का टाइम है मैम, देखिए जो भी बोलिए तब दीदी बोल दे, बहन बोल दे। नहीं नहीं आपको बहन दीदी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सेफ हूँ। नहीं नहीं लेकिन हम तो अलग ढंग से सोच रहे इसलिए बोल। नहीं नहीं आपको किसी ढंग से सोचने की जरूरत नहीं, बस हमने कहा। बेली रोड पर निधि को खड़े हुए 15 मिनट बीत चुके थे और 15 मिनट बाद एक और जनाब वहां पहुंचते हैं, जो मदद के बहाने नाम और पता दोनों जानना चाहते थे। नहीं नहीं कोई लॉन्ग टूर पे नहीं जाना मुझे। रास्ते कहाँ जी? रास्ते कहाँ? मैं यही पटना में ही रहती हूँ। ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं ठंड नहीं लग रही है मुझे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। कौन लड़के? कुछ नहीं, वो भी उसी आपकी तरह मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है। नहीं अगर इधर आजू बाजू में चला तो छोड़ देंगे। नहीं नहीं आप मुझे क्यों छोड़ेंगे, शुक्रिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब इस वीआईपी इलाके में भी पुलिस कहीं भी गश्त करती नजर नहीं आई। सड़क देख लीजिए जरा, स्ट्रीट लाइट्स भले ही यहाँ जल रही है लेकिन पिछले 4 घंटे से हमें एक भी मोबाइल वैन पुलिस की नहीं दिखाई दी है, ना तो कोई पुलिस हमें यहाँ वॉक करते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस तो दिखे नहीं लेकिन मॉरल पुलिसिंग करते हुए कुछ लड़के हमारे पास जरूर आए। उन्होंने हमें इस बात को बताने की कोशिश की कि वो हमारे साथ है, मेरे कई बार मना करने के बाद भी वो यहीं पर खड़े रहे। ये बोला कि जब तक आप जिनको ढूंढ रही हैं वो आ नहीं जाते तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। तो इस तरीके की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है।